के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को आज एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल नागपुर की विशेष अदालत ने नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केदार को 150 करोड़ रुपए के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सुनील केदार, तत्कालीन बैंक अध्यक्ष केतन सेठ, मुख्य रोखे दलाल अशोक चौधरी, तत्कालीन बैंक प्रबंधक और 3 अन्य रोखे दलालों को दोषी ठहराया है, बाकी 3 को निर्दोष बताया गया है। दरअसल 2002 में सुनील केदार नागपुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन थे। उस समय बैंक का धन एक निजी कंपनी की मदद से कलकत्ता में कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया था, लेकिन सहकारिता विभाग के एक्ट के मुताबिक बैंक से छूट लिए बिना बैंक का पैसा कहीं और निवेश बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी इस नियम का उल्लंघन कर राशि का निवेश किया गया। इसके बाद निजी कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे अनेकों किसानों का बैंक में रखा पैसा भी डूब गया। इस घोटाले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार पर अपने स्वार्थ के लिए घोटाला करने का आरोप लगा। केस दर्ज होने के बाद मामला जिला सत्र न्यायालय में चलता है, लेकिन जब मामला फैसले के अंतिम चरण में था, केदार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से इस बाबत रोक हटाने का अनुरोध भी किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया और रोक हटा दी। इसके बाद अब आज आखिरकार इस मामले में कोर्ट का फैसला आ ही गया है। NDCC बैंक नागपुर, इसमें जो स्कैम हुआ था 2002 में, उसके ही ट्रायल कंप्लीट होने के बाद दोनों पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए गए और आज कन्विक्शन का, आज जजमेंट का दिन था। आज कोर्ट ने सब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो करीबन 1100 एग्जिबिट्स का है, जिसमें 53 विटनेसेस की टेस्टिमनी है, इसको नजर रखते हुए आज कोर्ट ने एक्यूज नंबर 1 सुनील केदार, एक्यूज नंबर 2 अशोक चौधरी, एक्यूज नंबर 4 केतन सेठ, एक्यूज नंबर 7 आलोक वर्मा, एक्यूज नंबर 8 सुबोध भंडारी, एक्यूज नंबर 10 नंदकिशोर त्रिवेदी, इन आरोपियों को IPC सेक्शन 406, 409, 468, 471 और 120B के तहत दोषी करार पाया हुआ है और इन सब आरोपियों को कुल मिला के 12,50,000 रुपए ईच हर एक को फाइन इम्पोज किया है और इनको 5 साल की सजा दी गई हुई है। टोटल जो फाइन की अमाउंट आएगी, ये आएगी 62,50,000। इस अमाउंट से 50% अमाउंट गवर्नमेंट को देना है और 50% अमाउंट NDCC बैंक को कॉम्पेंसेशन के तौर पे देना है, ऐसा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने इसमें ऐसा फाइंडिंग दिया है कि जो इन्वेस्टर्स है बैंक के, ये आम आदमी इन्वेस्टर्स है, इसमें फार्मर्स है और जिनका हार्ड अर्न मनी है वो लोगों का इन्वेस्टमेंट है और ये गरीब लोगों का पैसा इतने सालों से इस मनी ट्रेल या इस स्कैम में दबाया गया है। इस वजह से कोर्ट ने, ये सीरियस ऑफेंस है, इसमें डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है और ये पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया गया, इसके बारे में टिप्पणियां की है और कोर्ट ने सीरियस ऑफेंस मान के इस तरह की सजा और इस तरह का हीवी कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया हुआ है। ये कोई भी जजमेंट के बाद कोई भी एक्यूज, दिस इज अ ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट कोर्ट है, इसके बाद कानून की जो भी कानून में प्रोविजंस है, एवरीवन कैन फाइल अपील, वो अपील फाइल कर सकते हैं, ही मे प्रोसीड टू हायर कोर्ट, बट कॉम्पेंसेशन नीड्स टू बी पेड फर्स्ट। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।